हेलो साथियों, छतरपुर की इस पावन धरती को मेरा सेवा जोहार है, जय सेवा। और छतरपुर में ही राजा लंकेश का मंदिर है, उनके चरणों में मेरा सेवा जोहार है, जय सेवा। वैसे ही आज छतरपुर की उस पावन धरती पर मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी और मेरे पुत्र में सभी बुजुर्ग में सभी को जय सेवा बोलता हूँ। सबके चरणों में मैं सबका नमन करता हूँ। साथियों, इतना मान सम्मान के लायक मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ये माला मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जंजीर मेरे गले में है। मैं आपको आज जो छतरपुर में इस प्रकार से जो मान सम्मान मिला, मैं उस लायक बिल्कुल नहीं हूँ, और आप लोगों ने मुझे वो मान सम्मान दिया है। मैं आप सभी को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना भरोसा मुझ पर जताया है कि उसको मैं कैसे पूरा करूंगा और मैं कैसे काम करूंगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का जो भरोसा, इतना मान सम्मान प्यार मुझे आज मिला है, निश्चित तौर पे क्या बोला, आज मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो तमाम गांव के अंदर अभी मैं जा रहा हूँ और सगा समाज के लोगों से बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, तो हर व्यक्ति का एक दर्द है। उस दर्द को मैंने महसूस किया है। यहाँ से आजादी के 70-75 साल बाद भी हम समाज की मुख्य धारा में क्यों नहीं जुड़े हैं? आज भी हमारा गांव का गरीब किसान मजदूर, हमारा भाई, हमारा कोयतुर भाई, जो आज बड़ी विषम और बहुत गंभीर परिस्थिति में जी रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? हम जब मध्य प्रदेश के जो लैंड है, जिसको हम पूरा गुणवाना लैंड बोलते हैं, और उसी के नाम से जो गुणवाना गंदत पार्टी बनी है, तो मैं आपको बता दूं कि क्या कारण है कि आज हम लोग समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे। तो हमको समझना पड़ेगा कि अभी तक हमारे लोग विधानसभा लोकसभा में नहीं गए हैं जो हमारे अधिकार की बात कर सके, हमारे संविधान की बात कैसे कर सके, हमारे गांव गली की बात कर सके, ऐसे व्यक्ति तो चुन के नहीं गए। तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि देश के अंदर पूरा बाजार चल रहा है, पूरा प्रॉपर्टी चल रहा है। राजनीति को लोगों ने जो बिजनेस धंधा बना के रख दिया है, वो पैसा लगाते हैं और अपना कैंडिडेट चुन के लेके जाते हैं, और 5 साल तक वो आपसे कोई सरोकार रखते सिर्फ अपना धंधा करते हैं। हर गांव के अंदर आज भी आप जाके देख लीजिए, सड़क की वही परेशानी है, बिजली की वही समस्या है, पेंशन की समस्या है, राशन की समस्या है, पानी की समस्या है, हर समस्या है। यहाँ तक कि जो आपके गांव में जो पटवारी आते हैं, उनकी भी अलग समस्या है, बहुत सारे चीजें हैं। समस्याओं का मार्ग ये है कि आज भी लोगों को अपने छोटी छोटी सुख सुविधाओं के लिए यहाँ में भटकना पड़ता है। तो साथियों, राशन के लिए भटकना पड़ता है, अपनी जो शिकायत है उसके लिए भटकना पड़ता है, क्योंकि हम लोग बिखरे हुए हैं, हमारा जो एक संगठन नहीं बन पा रहा है। तो हमको लोगों ने तोड़ के रखा है, खंड खंड में बांट के रखा है, और आज समय आ गया है, 5 साल में एक बार समय आता है अपने वोट का अधिकार, और आपको अपने वोट की ताकत समझना पड़ेगा। चाहे वो अदानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई गरीब किसान हो, हर व्यक्ति की कीमत वोट की एक ही है, और अगर हम अपने वोट की कीमत नहीं समझिए तो अच्छे व्यक्ति विधानसभा में नहीं जाएंगे और हमारे अधिकार की बात करेंगे नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरी बात सत्य यहां बैठी है, आप किसान किसको मानते हैं? किसान वो है, किसान होता है एक महिला, पुरुष तो सिर्फ किसान खेत बनाता है और खेत में अनाज डालने का काम करता है, मगर सबसे ज्यादा खेत के अंदर काम करती है महिला। वो दाना दाने से लेकर दाना फसल उगने से लेकर बिनाई कुटाई से लेकर तो अनाज तोड़ने से लेकर घर तक लाने का काम करती है महिला, मगर आज क्या हमारी महिलाओं की स्थिति कैसी है? सबसे ज्यादा परेशानी का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं की है। तो साथियों, उसकी बात करेगा कौन? उसकी बात करने के लिए हमारा जब हमारा घर जाएगा, हमारे रूम जाएंगे, हमारी बात होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि छतरपुर के अंदर
हमारे जो जमीन गई थी वो जमीन के लिए हमने आंदोलन किया। वैसे छतरपुर के अंदर छतरपुर दसड़ का भी वही मामला है, सभी जगह विस्थापन के नाम पर जो हमको जमीन से हटाकर और सुख सुविधाएं देने का काम नहीं करती सरकार सरकार ने। तो हमको जो है आने वाले समय में, अभी तो समय चुनाव का चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके बीच में कोई पुराना नहीं हूं। पिछले 15-20 साल से सड़कों पर संघर्ष कर रहा हूं मैं। गांव गरीब किसान की बात करने के लिए हम सबको संघर्ष करते हैं और ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। चुनाव तो आज आया है, उसके बाद भी लड़ाई जारी रहेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे अपने वोट के रूप में अगर आशीर्वाद देते हैं तो मैं आपको निश्चित तौर पर आशीर्वाद दिलाता हूं कि आप मेरे इतने साथी आज यहां बैठे हैं, ये लोग खून बहा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, ये लोग आज दिन रात एक कर रहे हैं। अगर ये लोग पसीना बहा रहे हैं तो मैं बताता हूं कि वक्त आएगा तो मैं खून बहाने के लिए तैयार होना चाहती हूँ। विश्वास अपने सबसे ज्यादा बैतूल जिले के अंदर से मजदूर वर्ग जो है पलायन करके बाहर काम करने जा रहा है। हमने सांडी के अंदर पावर प्लांट की लड़ाई लड़ी, छत यूनिट अपना कोयला खदान खोलने की लड़ाई लड़ी और जो पट्टों की मांग है वो पट्टों में हमने लगातार लड़ाई लड़ी, मगर ये निकम्मी चोर सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये तस से मस्त नहीं हुई साथियों। तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर परिवर्तन की लहर है, आप लोगों को इस बार जो है आपको सोच समझ के अपना वोट देना पड़ेगा साथियों। जब तक कि हमारा राज नहीं आएगा तब तक हमारा काज नहीं होने वाला साथियों। और जिसका राजा होता है उसका ही बाजा बजता है, तो 28 तारीख को आपका बाजा बजाना पड़ेगा और पूरे परिवर्तन की लहर है पूरे विधानसभा के अंदर। आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि 28 तारीख को अपना जो गुणवाना गणतंत्र पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हारी का बटन है चौथे नंबर पे है, आप सभी मातृशक्ति को विशेष तौर पर ध्यान देकर और हारी के बटन को दबाना है। तो 7 सेकंड के बाद उसमें बटन के बाद लाइट जलेगा, आपको भी ध्यान रखना कि हमारा जो बटन है उसके बाजू में लाइट जल रहा है और एक पर्ची भी निकलेगी उसमें आरी का चिन्ह होगा, वो भी ध्यान से देखिएगा। सच्चा बड़ा देव का गोल होगा बड़ा देवता, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बड़ा बेटा का सामना अगर आरी में नहीं दिए साथियों। साथियों मेरी मात शक्ति, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आज भी स्कूल के अंदर हमारे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके सम्मान के लिए, उनको उनका भविष्य के लिए, तमाम जो लोग यहाँ बैठे हैं, आपको एक गंभीर बात बताता हूँ, आपकी बात को खत्म करता हूँ कि जितने भी मेरे लोग आवाज सुन रहे हैं वो तमाम लोग अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आपको इधर परिवर्तन के लिए हमें साथ देना पड़ेगा और गोरमाना गणतंत्र पार्टी को विजय बनाने के लिए आपको अपना बहुमूल्य वोट देना पड़ेगा। और मैं अगर चुनाव जीत के आता हूँ और नहीं भी जीत के आता हूँ तो आपके बीच में लगातार सड़कों में संघर्ष करूंगा और आपके हक अधिकार की बात करूंगा। मैं यही बात को कहता हूँ और दो ब्लाइंड देकर अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ कि आहो से पत्थर पिघलेगा इस धोखे में मत रहना, आहो से पत्थर पिघलेगा इस धोखे में मत रहना, भारत के जर्रे जर्रे पे तुम्हारा हक है, कोई बुला बुला के देगा इस धोखे में मत रहना साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, हम जोरदार नारा लगा के अपनी बात में समाप्त करता हूँ। बड़ा पेंता, बड़ा पेंता, जय 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 लंकेश, जय 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 लंकेश, गोरमाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, 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 गोरमाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, 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 गांव का एका जिंदाबाद, 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 मजदूर किसान जिंदाबाद, 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 मात शक्ति जिंदाबाद, 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 मात शक्ति जिंदाबाद, 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 गोरमाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, 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 खाली कर दो रास्ते, खाली कर दो रास्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, जय जवान, जय भारत, जय भीम, जय भगवान साधु। अकाल भैया संघर्ष, हम तुम्हारे साथ हैं। अकाल भैया, आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलें।